हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं सीबी वधवा आपका फिर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसी ने खूबी कहा है, किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने के कमिटमेंट पर निर्भर करती है। वो कमिटमेंट चाहे वो किसी कार्य क्षेत्र में करे, लेकिन अगर उसकी कमिटमेंट बेहतर होती है तो वो स्टूडेंट हमेशा, चाहे पर्सन है चाहे स्टूडेंट है, अपनी कमिटमेंट में जो खड़ा रहता है वो स्टूडेंट हमेशा आगे बढ़ता है। आइए हम एक कमिटमेंट के साथ पार्ट ऑफ स्पीच, हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि सारा दिन इंग्लिश के हम सेंटेंस को यूज करते हैं, जैसे कि शी इज गोइंग टू दिल्ली। इसी तरह से मैंने लिखा आई एम क्लेवर, जैसे शी इज इंटेलिजेंट। इस तरह से हमने एग्जांपल ये की। इंग्लिश में डेली हम यूज करते हैं मैक्सिमम सेंटेंस को, लेकिन हम उन सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट हैं, शी इज गोइंग टू दिल्ली, क्लेवर, एम, आई, शी इज इंटेलिजेंट, क्या हम अपने माइंड में सेट करते हैं कि इन वर्ड्स को किस किस नाम से पुकारा जाता है। एक सेंटेंस में जो ये वर्ड होते हैं उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है, और इन सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स हैं उनको क्या क्या नाम दिया जाता है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके 8 पार्ट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं, इसके कितने पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 पार्ट हैं, जो इन वर्ड्स को हम किस किस नाम से पुकारते हैं। आइए हम पार्ट ऑफ स्पीच के उन 8 पार्ट्स पर चर्चा करें, डिस्कस करें ऊपर पार्ट ऑफ स्पीच के। पार्ट्स ऑफ स्पीच, यदि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, जैसे कि फर्स्ट पर हम लेके चले तो कौन सा वर्ड आता है, एक सेंटेंस के अंदर क्या होता है, नाउन होता है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। सेकेंडली क्या होता है, प्रोनाउन, क्या होता है, प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। फर्स्ट नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं, एडजेक्टिव, थर्ड पार्ट इज एडजेक्टिव, जिसको क्या कहते हैं, विशेषण। फोर्थ इज एडवर्ब, एडी एडजेक्टिव वर्ब, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण, क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट एडवर्ब के बाद हम अगले पार्ट पर चलते हैं, इसको क्या कहते हैं, कंजक्शन, जिसको क्या कहा जाता है, संयोजक, क्या जाता है, कंजक्शन को संयोजक। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, और फिफ्थ हमारा पार्ट कौन सा है, कंजक्शन, और सिक्स्थ क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक इसमें यहाँ रह गया थर्ड पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट यहाँ पर हम करते हैं, इसको फिफ्थ और सिक्स्थ लिख दिए, आपका एक पार्ट रहेगा वर्ब, जिसको क्या कहते हैं, क्रिया। फाइव आपका क्या आ गया, फोर्थ के बाद फिफ्थ आपका आ गया एडवर्ब, सिक्स्थ आपका क्या आ गया, कंजक्शन, और उसके बाद हमारा सेवन पार्ट रह गया, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, संबंध सूचक या संबंधवाचक अव्यय भी कहा जाता है, या संबंध सूचक, और लास्ट के अंदर आता है आपका इंटरजेक्शन, जिसको क्या कहा जाता है, विस्मय सूचक, विस्मय यानी हैरान करने वाले सेंटेंस। ये इस तरह से हमारे 8 पार्ट, आपको देखना है पार्ट ऑफ स्पीच के, देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच के कितने 8 पार्ट है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन।
एक सेंटेंस आपको मिलेगा, उस सेंटेंस के अंदर जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं उनको इन्हीं नामों से पुकारा जाता है, इससे बाहर कोई नेम नहीं होता। इसी के आगे पार्ट होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन, इन एट पार्ट की अलग अलग नाउन की, प्रोनाउन की अलग अलग इनकी हम क्या है लेक्चर के अंदर अलग अलग इसको समझेंगे। जैसा कि हम फर्स्ट पार्ट के अंदर चल रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट जैसे हम कर रहे हैं, ए नाउन इज ए वर्ड, ए नाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड एज ए पर्सन, प्लेस, एक्शन, थिंग, क्वालिटी एंड सिचुएशन एक्सेट्रा। वाक्य में जिससे हमें किसी व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में, उसके कार्य के बारे में, वस्तु के बारे में, गुण के बारे में, सिचुएशन उसकी हालत के बारे में हमें पता चले, हम उसको क्या किस नाम से पुकारते हैं, हम उसको नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन यानी संज्ञा। एक सेंटेंस के अंदर हमें पर्सन, प्लेस, एक्शन, थिंग, क्वालिटी और सिचुएशन, इनको क्या कहा जाता है। जैसे पर्सन की बात करें, जैसे अनामिका या लड़के का नेम अनुराग, इसको हम हमेशा क्या कहेंगे? नाउन। प्लेस की बात करें, जैसे कि फतेहाबाद, जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली, तो ये क्या है? प्लेस। एक्शन की अगर हम बात करें, तो एक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कोई चॉइस की बात है या कोई वर्क, तो वर्क और चॉइस वर्ड क्या होते हैं? हमारे एक्शन होते हैं। थिंग की बात करें किसी वस्तु की, जैसे पेन है, मार्कर है, पेंसिल, इसको हम क्या कहते हैं? पेन, मार्कर और पेंसिल थिंग चीज़ें हैं ये। और क्वालिटी हमारे अंदर क्या होती है? ऑनेस्टी, जैसे ईमानदारी सबसे अच्छी होती है, ऑनेस्टी वर्ड क्या है? हमारी क्वालिटी। और सिचुएशन की बात करें तो स्लीप, या कोई कंफर्ट करते हुए और आप आराम करते हुए या सोते हुए, हम इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, कार्य, वस्तु, गुण और भाव को हम क्या कहते हैं? सिचुएशन को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। हम अपनी अगली क्लास के अंदर नाउन के आगे पार्ट कितने हैं उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और नाउन की डीपली जो भी इसके आगे पार्ट्स हैं उनसे आगे उनके यूज़ कैसे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डेली आपको इस तरह से लेक्चर मिलता रहेगा, और हम एट पार्ट जो इसके हैं वो कंटिन्यू लेक्चर के माध्यम से करते रहेंगे। आज हमारा था पार्ट ऑफ स्पीच, इस तरह से कंटिन्यू। आप अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक, और हम कंटिन्यू आपको लेक्चर देते रहेंगे और कम्प्लीट ग्रामर की ओर आपको लेकर चलेंगे। थैंक यू।